सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लकी व्हील इवेंट का प्रॉपर एक अपडेट देने वाला हूं। साथ में आप लोगों को 7th एनिवर्सरी स्पेशल और भी अपडेट मिलने वाला है। सो आज का वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना, तो आप लोग को सारे अपडेट पता चल जाएगा। एंड चैनल पे नहीं आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग यहाँ पे कुछ न्यू सिस्टम अपडेट देख पा रहे हो, जिनमें से गाइस यहाँ पे रहने वाला स्पेक्टेटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो जी हाँ भाई, जब भी आप लोग किसी को एक्सपेक्ट करोगे तो जो इमोजी शो करते थे उनमें कुछ न्यू इमोजी अभी ऐड कर दिया गया है। पहले आप लोग यहाँ पे 4 इमोजी शो कर पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे 8 इमोजी शो कर पाओगे। और इसके बाद का जो अपडेट है गाइस होगा वेपन मिस्ट्री को लेकर। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे अभी ये बहुत जल्दी लेवल अप होगा। तो जल्दी जल्दी गाइस यहाँ पे इसको मैक्स करने के लिए कुछ न्यू फीचर या न्यू सिस्टम को ऐड किया जाने वाला है। साथ में गाइस यहाँ पे न्यू रैंक या अचीवमेंट यहाँ पे ऐड होने वाला है, वो भी इस वाले सेक्शन के अंदर। जी हाँ गाइस, अचीवमेंट सेक्शन में आप लोग को सीजन एक्सक्लूसिव कुछ न्यू मिशन देखने को मिलेगा। ये होने वाले गाइस हमारा सिस्टम अपडेट जो देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग सीएस के रियरिंग कुछ न्यू अपडेट देख पा रहे हो। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो न्यू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे स्टार के जरिए आप लोग का रैंक प्रोटेक्शन को थोड़ा और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और सीएस में जो यहाँ पे एयर ड्रॉप आता है उसके अंदर से अभी आप लोग को ट्रोगोन गन मिलेगा, लेकिन गाइस आप लोग इसको शॉर्ट गन मोड पे यूज कर पाओगे। इससे आप लोग लॉन्चर को यूज नहीं कर पाओगे, मतलब जो बम वगैरह फेंकते हैं ना वो आप लोग फेंक नहीं पाओगे, बस शॉर्ट गन की तरह यूज कर पाओगे, जहाँ पे तीन तीन करके बुलेट निकलता है। साथ में यहाँ पे गाइस हाई ग्राउंड लिमिटेशन रखा गया। आप लोग अभी सीएस में ऊपर चढ़ के यहाँ पे कैंपिंग वगैरह नहीं कर पाओगे और ना तो इनमी को मार सकते हो, क्योंकि ये जो टॉप प्लेसेस है इनको थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो ये सब चेंजेस आने वाला है। इसके बाद भाई गन स्मिथ वाला तो ये तो अपडेट आप लोग को पता ही है, और यहाँ पे वेपन्स अपडेट तो आप लोग को पता होगा। साथ में यहाँ पे बीआर में कुछ बेसिक चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आइटम पिकअप एंड बैकपैक अरेंजमेंट, तो यहाँ पे एक न्यू फीचर एड किया जाएगा अपडेट के बाद, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। वैसे गाइस ये वाला फीचर कुछ खास काम का नहीं है। इसके बाद आता है मल्टीप्लेयर कैप्चर स्पीड अप। जब भी आप लोग अकेले यहाँ पे रिवाइव करने जाते तो बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन दो बंदे मिलकर जब यहाँ पे रिवाइव करने जाओगे तो इसका रिवाइव स्पीड अप हो जाएगा। जो भी इनमी आपके आसपास यहाँ पे रिवाइव होके उतरेगा तो आपके चारों ऐसे एक मार्क आएगा लैंडिंग वाला, जो देख पा रहा हूँ, मतलब इनमी का लैंडिंग आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे व्हीकल्स अपडेट तो आप लोग को मैंने बता दिया था कि यहाँ पे ऑटो पायलट सिस्टम आएगा, साथ में म्यूजिक सिस्टम को भी एड किया जाने वाला है, तो बहुत ही कमाल का होगा। साथ में गाइस यहाँ पे मिनी मैप पे भी अपडेट आने वाला है, वेंडिंग मशीन एंड एआरओ, साथ में आर्सेनल, ऐसा कुछ पॉइंट या टिक मार्क करने का ऑप्शन मिलेगा। तो बीआर में ये कुछ बेसिक चेंजेस आने वाले अपडेट के बाद। तो ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस है जिनको लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, तो उसको देखने के लिए तैयार रहना। दो तीन दिनों के अंदर आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या कुछ चेंजेस होने वाला है। एंड अभी गाइस मैं आप लोगों को OB45 अपडेट के बाद जो 7th एनिवर्सरी इवेंट आने वाले उसका भी कुछ अपडेट दे देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे बाहर के सर पे एनिवर्सरी स्पेशल जो कैलेंडर है उसको लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन गाइस इस बार का जो 7th एनिवर्सरी है दो फेसेस में चलेगा। यहाँ पे पहला एक इवेंट आएगा, उसके बाद दूसरा और एक इवेंट आएगा। यहाँ पे पहला एनिवर्सरी का इवेंट का फेस चलेगा 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक, उसके बाद भाई 3 जुलाई से लेकर 18 जुलाई या 17 जुलाई तक यहाँ पे एनिवर्सरी इवेंट चलेगा। और इस बार एनिवर्सरी के इवेंट स्पेशल आप लोग कुछ रिवॉर्ड वगैरह फ्री मिलेगा, जिनमें गाइस कुछ बेसिक रिवॉर्ड रहेगा जैसे कि रूम कार्ड। तो जी हाँ भाई, अनलिमिटेड टाइम तक चलने वाला कुछ यहाँ पे रूम कार्ड आप लोग को मिलेगा। और फिर यहाँ पे कुछ और भी बेसिक रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे गन क्रेट का यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह मिलेगा, साथ में वाउचर वगैरह मिलेगा एंड कुछ अदर रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आप लोग एक बंडल फ्री मिलेगा। बाहर के सर्वे में तो ये वाला बंडल को फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन हमारे सर पे यहाँ पे 7th एनिवर्सरी स्पेशल इस बंडल को दिया जाएगा। तो बहुत ही कमाल के इवेंट आने वाला है, तो तैयार रहना फ्री में बंडल क्लेम करने के लिए। और गाइस यहाँ पे इस फ्री बंडल को क्लेम करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मिशन वगैरह कंप्लीट करना होगा। तो गेम प्ले करने के जरिए आप लोगों को कुछ टोकन मिलेगा, उन टोकन के जरिए गाइस आप लोग यहाँ पे सारे रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर पाओगे। तो 7th एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट 26 जून से स्टार्ट होने वाला है। बाकी अदर्स इन्फॉर्मेशन अगर गाइस आप लोग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी भाई अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में आप लोग को बता दूंगा। और भी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो होगा लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट को लेकर। सो गाइस इस पर बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग इस पर लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा 4 नहीं तो 5 जुलाई को। तो जी हाँ भाई, एनिवर्सरी स्पेशल यहाँ पे ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट आने वाला है। और भाई लकी व्हील इवेंट पे हमेशा की तरह यहाँ पे आप लोग को अच्छी खासे रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कुछ टोकन बॉक्सेस मिलेगा, साथ में कुछ बंडल वगैरह भी आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, जिनको गाइस आप लोग डिस्काउंट के हिसाब से परचेस कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे कौन कौन सा बंडल रहने वाला है वो तो बैनर मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो जुलाई महीने की 1-2 तारीख को बैनर मिल जाएगा, फिर गाइस मैं आप लोग को बता दूंगा कि लकी व्हील में आखिर कौन सा बंडल को रखा जाएगा। लेकिन 4 या 5 तारीख को भाई ये वाला डिस्काउंट इवेंट आने वाला है। और मान लो गाइस अगर ये वाला इवेंट नहीं आया तो कौन सा यहाँ पे डिस्काउंट इवेंट आ सकते हैं? आप लोग सही सोच रहे हो भाई, मिस्ट्री शॉप इवेंट। तो पिछले बार 3-4 महीने से यहाँ पे मिस्ट्री शॉप इवेंट चल रहा है। तो अगर यहाँ पे 4 या 5 तारीख को यहाँ पे लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट नहीं आता तो आप लोग को एनिवर्सरी स्पेशल यहाँ पे मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिलेगा। और अगर मिस्ट्री शॉप इवेंट आता है तो इस इवेंट का डेट रहने वाले 12 नहीं तो 13 जुलाई। तो जी हाँ भाई, 12 या 13
17 जुलाई को यहाँ पे मिस्ट्री सोयाबीन आ सकते हो, अभी 7th एनिवर्सरी स्पेशल। और अगर मिस्ट्री सोयाबीन आता है तो भाई आप लोग को हमेशा की तरह यहाँ पे कचरा डिस्काउंट भी मिलेगा और कचरा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और ऐसे रिवॉर्ड तो भाई हम लोग सपने में देखते हैं, जैसे रिवॉर्ड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि पुराने मिस्ट्री शॉप इवेंट का जो बंडल्स वगैरह है या जो एनिवर्सरी का जो बंडल्स थे उनको यहाँ पे मिस्ट्री शॉप पे रिटर्न किया जाएगा। अभी देखते हैं सर क्या होता है। सो इन दोनों में से भाई कोई एक इवेंट आने वाला है, लकी व्हील नहीं तो मिस्ट्री शॉप इवेंट, लेकिन जो भी आएगा इस मिस्ट्री शॉप ना आए तो अच्छा होगा, क्योंकि मिस्ट्री शॉप में बहुत ही गंदा लक मिलता है और रिवॉर्ड भी बहुत ही कचरा मिलता है। एंड अभी बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ, ये अपडेट होने वाले गाइस स्कॉर्पियो इवेंट के ऊपर। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे स्कॉर्पियो के जितने सारे आइटम है उनमें से 80% आइटम को यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा, वो भी OB45 अपडेट के बाद, जिनके स्पेशल भाई यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट का इवेंट आएगा और रिवॉर्ड भी अलग अलग रखा जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस जो आप लोग मिली वेपन फिस्ट स्किन और यहाँ पे जो फेस पेंट देख पा रहे हो, ये सारे को मिलकर गाइस यहाँ पे एक नया सा इवेंट आने वाला है। और फिर से भाई ध्यान से सुन लो, यहाँ पे इवेंट कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते, लेकिन यहाँ पे आप लोग जितने सारे रिवॉर्ड देख पा रहे हो सारे रिवॉर्ड वापस रिटर्न होने वाला है, जैसे कि फिस्ट स्किन, बाइक स्किन और ग्लूअल का भी स्किन। यहाँ पे सारे रिवॉर्ड जो देख पा रहे हैं सारे के सारे आइटम को रिटर्न किया जाएगा। अभी ये सारे जो आइटम है 7th एनिवर्सरी स्पेशल रिटर्न किया जा सकते, नहीं तो एनिवर्सरी इवेंट खत्म होने के बाद एक एक करके इनको इवेंट पे दिया जाएगा। वैसे गाइस आप लोग के पास सारे आइटम ऑलरेडी है या आप लोग वापस से इनको निकालना चाहते हो? अगर वापस से निकालना चाहते हो भाई वेट करो और डायमंड वगैरह सेव कर लो, क्योंकि भाई अपडेट के बाद ही इनका इवेंट आने वाला है। और अभी स्कॉर्पियो का अपडेट सुन के आप लोग के मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यहाँ पे इवो M1014 जो 2.0 है क्या वो वापस रिटर्न आने वाला है? तो जी हां गाइस, यहाँ पे जो स्कॉर्पियो M1014 2.0 है इसको भी रिटर्न किया जाएगा, लेकिन ऐसे फेडेड व्हील टाइप के इवेंट पे नहीं, वो भाई रिटर्न आने वाला है गाइस यहाँ पे इवो वोल्ट इवेंट के अंदर। सो बस आप लोग 2-3 दिन तक वेट कर लो, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इवो वोल्ट में कौन कौन से गन रोटेशन आने वाले उसका कॉन्फर्मेशन पता चल जाएगा। लेकिन गाइस आप लोग डायमंड वगैरह सेव कर सकते हो, क्योंकि ये M1014 2.0 आ सकता है। और गाइस देखते देखते मैंने आप लोग को बहुत सारे इवेंट्स और अपडेट के बारे में बता दिया, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ना भाई हम लोग और भी अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। सो प्लीज गाइस यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ, और ये अपडेट होने वाले गाइस आप लोग का फेवरेट लॉबी एंट्री एनिमेशन जो है गाइस वाला कार वाला इमोट। तो जी हाँ भाई, इसको भी रिटर्न किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा कि आप लोग को पता है? अगर नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो यहाँ पे OB45 अपडेट के बाद लैम्बोर्गिनी स्पेशल रिटर्न इवेंट आने वाला, जहाँ पे लैम्बो टोकन को रखा जाएगा एंड उस टोकन के जरिए आप लोग इस आइटम को एक्सचेंज कर पाओगे, साथ में यहाँ पे ग्लोअल को भी रखा जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे मेरा पिछला वीडियो मतलब अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर जो वीडियो मैंने डाला था उसको देखा होगा, उनको गाइस यहाँ पे अपकमिंग सारे इवेंट्स का टोकन मैंने दिखा दिया था। अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, फिर गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर कौन कौन से इवेंट आने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी के स्पेशल यहाँ पे रिटर्न इवेंट आने वाला है। सो अगर आप लोग लैम्बोर्गिनी का कुछ भी निकालना चाहते हो तो भाई डायमंड वगैरह सेफ रखना, क्योंकि भाई कभी भी इवेंट आ सकता है। एंड इसके बाद भाई आप लोग यहाँ पे एक इवेंट का बैनर देख पा रहे हो जिसका नाम स्ट्रोक रिंग। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे एक नया सा रिंग इवेंट आने वाला है जिसका बैनर देखने में कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग उस स्ट्रोक रिंग का पूरा रिव्यू देख पा रहे हो। तो जी हाँ भाई, इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वे के लिए 24 जून को यहाँ पे एक नया सा इवेंट आने वाला है जिसका नाम स्ट्रोक रिंग इवेंट, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा। और यहाँ पे ग्रैंड प्राइस पे 4 रिवॉर्ड रहने वाले, जिसमें भाई मेल फीमेल का बंडल का रिव्यू तो आप लोगों ने देख लिया एंड ये देखने में बहुत ही कमाल का है। साथ में यहाँ पे गन स्किन रहेगा जो एक किंग फिशर का स्किन होगा, जिसका एट्रीब्यूट भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड बाइक स्किन भी रहने वाला है। और इस इवेंट के अंदर गाइस आप लोगों को दूसरा टोकन देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल टोकन शायद से नहीं रहेगा। एंड इन टोकन से गाइस आप लोग इसको एक्सचेंज भी कर पाओगे और स्पिन करके भी निकल सकते हो। तो अगर आप लोग इन सब बंडल को निकालना चाहते हो तो 24 जून को तैयार रहना, सुबह के 4 बजे भाई वाला इवेंट आ जाएगा। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ, तो गाइस यहाँ पे आर्टिक ब्लू बंडल का जो इवेंट चल रहा है ये बस और 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद इवेंट खत्म हो जाएगा। तो 22 जून को गाइस यहाँ पे इंडिंग सोन का जो बैनर देख पा रहे हो गेम पे आ जाएगा। सो अगर आप लोग इन बंडल को निकालना चाहते हो तो निकल लो, बाद में ये सब बंडल वापस कब रिटर्न आएगा इनका कोई श्योर नहीं है, खास करके आर्टिक ब्लू बंडल। तो अगर निकलना चाहते हो तो निकल लो, क्योंकि 3 दिन के बाद इवेंट खत्म हो जाएगा। वैसे गाइस यहाँ पे जो लोग अभी तक स्पिन कर चुके हो, आप लोग का कितना डायमंड लगेगा आर्टिक ब्लू बंडल निकालने के लिए वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी बढ़ते भाई टुनाइट अपडेट की तरफ, जो आज रात 4 बजे के बाद आने वाला है। तो भाई यहाँ पे ईद स्पेशल डील डैमेज वाला एक इवेंट आने वाला है, जिसका बैनर भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, जो 21 से लेकर 25 जून तक चलने वाला है। सो गाइस आज रात 4 बजे के बाद सेम टू सेम ऐसा एक इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे डील डैमेज वाला इवेंट आने वाला है। और यहाँ पे जो लूट बॉक्स देख पा रहे हो ये आप लोग को फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। बस आप लोग को इनमी को डैमेज देना होगा 10,000 या 20,000 डैमेज, तभी जाके ये वाला आइटम को क्लेम कर पाओगे। साथ में कुछ अदर इवेंट का रिवॉर्ड भी रहने वाला है। और ये जो इवेंट है 21 जून से लेकर 24 जून तक चलने वाला है। और कुल मिलाकर गाइस इतना हमारा आज का अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस अगर आप लोग गेम के प्राइस से थोड़े कम प्राइस में आपके आईडी पे वीकली मंथली परचेस करना चाहते हो, सो गाइस आप लोग एसजी गेम शॉप से परचेस कर सकते हो। ये 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है, कमेंट बॉक्स पर आप लोग इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके
आप लोग परचेस कर सकते हो, तो यहाँ से एक बार जरूर परचेस कर लेना। एंड गाइस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज का वीडियो को लंबा ना करके भी खत्म करते हैं, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।